एक बड़ी खबर उत्तराखंड के देहरादून से आ रही है। देहरादून के सेलाकुई में ट्रेंचिंग ग्राउंड में रखे लाखों टन कूड़े में आग लग गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें वहीं की हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया है। धुएं के चारों तरफ फैल जाने से यहाँ रहने वाले लोगों को सांस लेने में खासी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि सेलाकुई स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में लाखों टन कूड़ा पड़ा है। इस ग्राउंड में सालों से देहरादून समेत कई शहरों का कूड़ा डंप किया जा रहा है। आज दोपहर 1 बजे के आसपास कूड़ा निस्तारण केंद्र के अंदर भीषण आग लग गई थी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं के साथ आग की लपटें और भी विकराल रूप धारण कर रही थी, जिससे कि आग पर काबू पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौके पर कई आला अधिकारी भी पहुंचे। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।